गोरखपुर से बड़ी खबर, पति पत्नी व बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। मामला गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना क्षेत्र अंतर्गत रायगंज का है, जहां पर पति पत्नी व बेटी मटकोड़वा कार्यक्रम में जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस तथा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। SSP विपिन टांडा ने बताया कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की जानकारी में सिर्फ एक ही अभियुक्त का नाम सामने आया है और जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस 22 वर्षीय युवती की मौत हुई है, अभियुक्त उससे प्रेम करता था, युवती से मना करने के बाद नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया है। बाजार क्षेत्र पड़ता है खोराबार थाने का, जिसमें कि आज पुलिस को सूचना मिली एक पति पत्नी और इनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं में SSP और AD महोदय पहुंचे और इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और आलोक पासवान नाम के इस अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्षीय करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि बाली लड़की के द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की गई है। और इसमें मौके पर फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट की टीम आई है और तमाम साक्ष्य संकलन कर इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। आरोपी एक से अधिक आपको लग रहा है कि या कहीं माना जा रहा है? जी, इसमें अभी तक एक ही अभियुक्त का नाम सामने आया है जानकारी में और पूछताछ की जा रही है। यदि उसका कोई सहयोगी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। क्या ननिहाल में रहता था क्या? जी, इसमें आलोक जो है वो अपने ननिहाल में यहाँ पर रहता था मूल।